सबसे बड़ा जो समझो तो दान यही है, यही है। इंसान होने की पहली पहचान यही है, यही है। जिसने पाया हो जीवन में शिक्षा का धन, अनपढ़ से धन ये है बांटने का गरीब जतन। एक कराए दूजे को भी अक्षर की पहचान। पढ़ाई का इसमें तो पैगाम छिपा से हद सफाई का, जीवन की मुश्किल राहों को कर दे ये आसान। ज्ञानदान, ज्ञानदान। अब तक आपने देखा कि मंडे सर गांव पहुंचने पर स्कूल के बच्चों और स्टाफ का गांववासी स्वागत करते हैं। साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों द्वारा गांव वालों को स्वच्छता के संदेश के साथ शुरू होती है। रात को सब बच्चे अपने अपने टेंट में सो रहे होते हैं कि अचानक डरावनी आवाजें आने लगती हैं और टेंट हिलने लगते हैं। विद्यार्थी डर जाते हैं। तभी मुखिया शांति स्वरूप आकर प्रिंसिपल बंसल को बताता है कि ये पुराने मुखिया का षड्यंत्र है। वो नहीं चाहता कि गांव वाले साक्षर और समझदार बने, इसलिए वो स्कूल की टीम को इस तरह डराकर भगाना चाहता है। प्रिंसिपल बंसल और अध्यापिका मिसेस खत्री इस नाटक का जवाब एक ऐसे नाटक से देते हैं। पुराना मुखिया और उसके आदमी रिकॉर्ड की हुई डरावनी आवाजें सुनकर जंगल से भागकर गांव वालों के सामने आ जाते हैं। दरअसल पुराना मुखिया गांव विकास योजनाओं का पैसा खुद हड़प लेता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि अनपढ़ गांव वाले पढ़े लिखे। प्रिंसिपल बंसल पुराने मुखिया को माफ कर देती है, पर उस मुखिया के मन में कुछ और ही था। अब आगे माताओं, बहनों, जैसा कि मुखिया जी ने आप लोगों को बताया होगा कि हम स्कूल के विद्यार्थी इस गांव में ज्ञान दान करने आए हैं। आपकी अशिक्षा को दूर कर आपके जीवन को सुंदर, सफल और स्वस्थ बनाना ही हमारा उद्देश्य है। तो शुरुआत हम अक्षरों की पहचान से करते हैं, ठीक है? ये है अ, आ, ये ई, और ये बड़ी ई। आप सब अब मेरे साथ बोलिए, अ, आ, ई और बड़ी ई। अ से होता है अनार। अब आप बताइए अ से और क्या होता है? आ से अदरक भी होता है मास्टरनी जी। हाँ बिल्कुल, अ से अजीत भी होता है ना बेटी? हाँ चाची होता है, पर तुम्हें ये अजीत अचानक कहाँ से याद आ गया? वो फौजी था, दुश्मन के साथ जंग में लड़ते हुए मारा गया। चाची चला नहीं गया, फौजी लोग तो अमर हो जाते हैं, वो कहीं जाते नहीं बल्कि हमारे आसपास ही रहते हैं। आप पढ़ लिख रही हैं ना, इस बात को आपका बेटा भी देख रहा होगा और खुश हो रहा होगा। चाची अजीत को भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, अपने मामा के पास रहकर उसने 8 जमात पास की, फिर वो फौज में चला गया। फौज में मोर्चे से उसने मुझे कई चिट्ठियां लिखी, हरिराम डाकिया मुझे पढ़कर सुनाया करता, और फिर उसने आखिरी खत में लिखा कि वो जंग खत्म होते मुझसे मिलने जरूर आएगा, लेकिन
संभाल कर रखे। और अब वो खत आप खुद पढ़ सकेंगे चाची। खत के हर्फों की लिखावट में अजीत का चेहरा फिर लहरा उठेगा, एक बार फिर जिंदा हो उठेगा अजीत सिर्फ आपके लिए। फिर तू मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना सिखा दो, मैं अपने बेटे की चिट्ठियां रोज पढ़ूंगी, बार बार पढ़ूंगी। बात छोटी सी है लेकिन मतलब कितना गहरा। आप सब लोग पढ़ लिख जाएंगे, साक्षर हो जाएंगे, चाची की तरह आप भी खत पढ़ पाएंगे, अखबार पढ़ सकेंगे, हिसाब किताब रख सकेंगे। ये अक्षर अ आ आपके नई जिंदगी के बुनियाद का पत्थर होगी बहनों। आओ इनसे दोस्ती करो, इन्हें पहचानो। अब आप मेरे साथ बोलिए, एक एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच छः छः सात सात आठ आठ नौ नौ दस दस अब आगे होंगे ग्यारह बारह। मुझे तो दस्तक ही गिनती सीखनी है। वो क्यों? मेरी 10 बकरियां हैं और उन्हीं के हिसाब किताब में गड़बड़ होती है, अब उनकी गिनती करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए तो 5 तक की गिनती ही बहुत है, मेरे पास 5 भैंसे हैं। मेरे तो 4 बच्चे हैं, मुझे तो 4 तक की गिनती आनी चाहिए। निरक्षरता और अज्ञान ने आपकी सोच को छोटा कर दिया भाइयों। आज तुम्हारे पास 10 बकरियां हैं, कल जब तुम लोग पढ़ लिख लोगे तो तुम्हारे लिए तरक्की की नई राह खुलेगी, फिर तुम्हारे पास 10 से ज्यादा बकरियां होंगी, तो क्या तुम उनके हिसाब नहीं करोगे? और भाई तुम्हारे पास 5 से ज्यादा भैंसे हो जाएंगी, फिर उन्हें कैसे गिनोगे? और मेरे 4 से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो? नहीं भैया नहीं, तुम तो बस ही करो, तुम बच्चों की गिनती में तरक्की मत करना, क्योंकि उससे तुम्हारी जो दूसरी तरक्की होगी वो भी बेकार जाएगी। बेकार जाएगी? ये लड़का ठीक कहता है भाई, जब छोटा होगा परिवार तो खुशियां होंगी अपार। अब देखिए ना, जब परिवार में संतानें कम होती है तो परिवार की आमदनी से ही बच्चों का सही पालन पोषण हो जाता है। जब आप पढ़ लिख जाएंगे तो ये सारी बातें खुद ही जान जाएंगे, समझ गए ना? समझ गए बहन जी, खेतों की गिनती बढ़ानी है, भैंसों की गिनती बढ़ानी है, लेकिन बच्चों की गिनती नहीं बढ़ानी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि बस 1 या 2 ही बच्चे होते हैं घर में अच्छे, समझ गए आप? तो सीखेंगे ना हमारे साथ, पढ़ेंगे ना आप? चलो यार चलकर खाना तो खा लो, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें कुछ भी खाने को ना मिले, सब लोग चले गए हैं। चलो ना यार उठो। अरे खा लेते हैं यार खाना भी, और वैसे भी एक दिन एक घास फूस नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे क्या? मरेंगे तो नहीं, लेकिन ये प्रिंसिपल बार बार पूछकर जरूर अधमरा कर देगी। देखो नितिन, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये खाने की फिक्र छोड़ो और ये याद करो कि हम यहाँ क्या सोच कर आए थे। चलो तुम तो राजी हुए इसका साथ देने के लिए, तुम अपना काम शुरू करो, कहीं ऐसा ना हो कि इन देहातियों की सेवा करते करते हम खुद देहाती बन जाएं।
यार मुझे क्या मालूम था कि प्रिंसिपल का इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होगा यहाँ पर, वो तो एक एक स्टूडेंट की एक एक बात की खबर रखती है। तो ठीक, प्लान ड्रॉप कर देते, कम से कम एक तरफ तो बात लगे। नहीं विनय नहीं, बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि हम अपने प्लान में किसी गांव वाले की मदद ले लें। हाँ, ताकि जूते ना पड़ते हो तो भी पड़े, और मैडम हमें कैंप से धक्के देकर बाहर निकाल दे। चले थे गांव वालों को बेवकूफ बनाने और खुद ही बेवकूफ बन जाए। घर पर पेरेंट्स से डांट पड़ेगी सो अलग। यार अखिल, जब तू बोलना शुरू करता ना तो चुप ही नहीं होता, ऐसा नहीं होगा यार। वेल, मेरी नजर में एक गांव वाला है, उस दिन मुझे आकर कहता बाबूजी हमें भी शहर ले चलो, हम भी पैसा कमाएंगे, हम भी अमीर बनेंगे। मेरे ख्याल से हमें उसे पकड़ना चाहिए। कौन है वो? मेरा मतलब उसका नाम क्या है? हेमू नाम है उसका। गुड, फिर तो हम उसकी इस कमजोरी का फायदा उठा सकते। वो तो हम उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें गांव वालों की कमजोरियों का पता करना होगा। यू आर राइट नितिन, इस तरह गांव वालों की कमजोरियों का पता करके ही हम कुछ प्लान कर सकते हैं। क्या प्लान हो रहे दोस्तों? वेल रघम, तुम क्यों, मुझे देखकर तुम हैरान क्यों हो गए? अरे नहीं राघव, हम तो बस ऐसे बैठे। लगता है शायद तुम अपने प्लान में मुझे शामिल नहीं करना चाहते। नहीं नहीं राघव, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम तो प्लान बना रहे थे कि गांव वालों को आसानी से कैसे पढ़ा सके, उन्हें होशियार कैसे बना सके, उन्हें अच्छी अच्छी बातें कैसे सिखा सके। यार हाँ, गाँव वालों को देखो ना कितने पिछड़े हुए, इन्हें तो दीन दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सचमुच इनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इन्हें चालाक और होशियार बनाना चाहिए? हाँ हाँ, हम इन्हें यहाँ होशियार बनाने ही तो आए हैं, और चालाक भी। अरे राघव यार, बातों में तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता, आफ्टर ऑल यू आर द चैंप यार। तभी तो इस पूरे कैंप में चारों तरफ बस तुम्हारे ही चर्चे हैं। पता नहीं विनय, हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है या गलत? गलत? क्या मतलब? यार राघव, ये बात कुछ मेरी समझ में भी नहीं आई। पहले मैं खुद तो अच्छी तरह समझ लूं, तब तुम्हें समझाऊंगा। कह रहे तुम लोग डिनर पे नहीं चल रहे क्या? हम आते हैं, तू चल। हाँ, यानी कि बात कुछ गहरी है यार, मैं चलता हूँ। चल। यार नितिन, राघव को कहीं शक तो नहीं हो गया हम पर? अरे छोड़ना, ये शाकाहारी क्या समझेगा हमारी बातों को, इसको तो ऐसी बातों की खुशबू की पहचान भी नहीं है। और अगर ऐसी खुशबू सूंघने को मिल भी जाए तो बदबू समझ कर दूर भाग लेता। अच्छा ठीक है नितिन, तुम कल उस हेमू से बात करो ताकि हमारा प्रोग्राम कंफर्म हो जाए। अरे अपना प्लान तो कंफर्म ही है, लेकिन पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। खाना खाने। गुड मॉर्निंग मैम। ओ राघव, आओ बैठो। भाई हमारा ये ज्ञानदान मिशन बहुत कामयाबी के साथ चल रहा है और तुम इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू मैम। लेकिन क्या बात है, तुम कुछ उदास हो, खुश नहीं हो? मैम मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों, हम इन लोगों का भला कर रहे हैं या? हम इन लोगों का भला ही तो कर रहे हैं। हाँ ये अलग बात है कि हमें इस बात का घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर तुम्हारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन आया कैसे? मैम ये लोग कितने भोले हैं, दुनिया की बातों से कितने अनजान हैं, कोई छल कपट नहीं है इनमें। जो बात इनके दिल में होती है वही जुबान पर भी होती है। यही तो खासियत है इन गांव वालों की। ये खासियत हम शहर वालों में तो नहीं रही, यही कहे कि बचे ही नहीं। हम लोग कितनी बार झूठ बोलकर अपना मतलब सीधा करते हैं मैम। शहर में ज्यादातर लोग स्वार्थी हो गए हैं, वो अपने दिल की बात को ज़ुबान पर लाना ही नहीं चाहते मैम। तुम कहना क्या चाहते हो राघव? मैम गांव और शहर का ये फर्क कहीं शिक्षा और शिक्षा का तो नहीं? शहर में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, गांव में नहीं, पर कहीं
इंसान पढ़ लिख कर ज्यादा सियाना तो नहीं बन जाता कि वो अपने स्वार्थ को सबसे पहले देखने लगे? तुम्हारा मतलब है कि आदमी पढ़ लिख कर? हाँ मैम, यही मतलब है मेरा। गांव वाले कहीं पढ़ लिख कर होशियार होने के साथ साथ चालाक भी ना बन जाए, और अगर ऐसा हुआ ना मैम तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि इससे इनका भोलापन, इनकी मासूमियत सब खत्म हो जाएगा। ये लोग गिनती तो सीखेंगे मैम, लेकिन उस गिनती से ये सिर्फ रुपए ही ना गिनते रहे। मुझे अफसोस है राघव, तुम अपने विचारों को गलत दिशा दे रहे हो। शिक्षा का ये मतलब नहीं है राघव। शिक्षा तो वो दीपक है जिससे घर जलता नहीं है बल्कि हर घर रोशन होता है। पर मैम, गांव के रहने वाले बनारसी दास का घर तो जल गया ना, उसका परिवार तो बट गया ना। तुम किस बनारसी दास की बात कर रहे हो? वो यही गांव में रहता है। वो खुद तो पढ़ा लिखा नहीं है, पर उसने अपने छोटे भाई को पढ़ाना चाहा। उसने पहले उसे शहर के स्कूल में पढ़ाया, फिर कॉलेज में तालीम दिलवाई, इस आस में कि उसका भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। पर मैं, उसका भाई बड़ा आदमी तो बना पर अपने भाई को भुला बैठा। बनारसी दास ने उसको पढ़ाने के लिए जमीन तक गिरवी रख दी, पर वो कभी लौट कर गांव नहीं आया, ना अपने भाई से मिलने और ना अपनी गिरवी रखी जमीन छुड़ाने। तो तुम बनारसी दास की कहानी को लेकर परेशान हो? नहीं राघव, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं बेटा। शिक्षा इंसान को बुरे से भला बनाती है, भले से बुरा कभी नहीं बनाती। हाँ, इस परिवर्तन में थोड़ी अड़चने आ रही हैं, थोड़ी रुकावटें हैं। बुरी संगति, पैसे का आकर्षण या किसी दूसरे स्वार्थ की रुकावटें, पर शिक्षा एक दिन मन की खिड़कियां जरूर खोलेगी, इंसान को बुरे भले का ज्ञान करना सिखाएगी। शिक्षित होना व्यक्तित्व की संपूर्णता है राघव। पर वो बनारसी दास तो नहीं पढ़ना चाहता मैडम, वो कहता है कि पढ़ लिख कर उसका भाई क्या बना जो वो बनने से रह जाएगा। बनारसी दास की इस बात ने तुम्हारे विचारों को गलत राह दिखाई है राघव। तुम ऐसा करो, उन्हें दोपहर वाली सभा में ले आओ, मैं उनसे खुद बात करूंगी। ओके मैम। हम नहीं कह रहे हैं बहन जी, आज हम अपना खेत होते हुए भी दूसरे के खेत में मजदूरी करने पर मजबूर हैं। आप जानती हैं हमारा खेत कहाँ गया? हमने उसे गिरवी रखा था अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए। सोचा था कि वो जब बड़ा साहिब बन जाएगा तो खुद ही छुड़ा लेगा वो जमीन। हम सोच रहे थे कि वो हमारा नाम रोशन करेगा, पर उसने तो हमारा नाम ही भुला दिया, और आज हम दूसरे के खेत में मजदूरी करने पर मजबूर हैं। हम वो खेत छुड़ा नहीं सके। तो बनारसी भाई, जब तुम्हारा भाई शहर में पढ़ता था तो कभी तुम उससे मिलने गए थे? हाँ, हम एक बार गए थे। किस लिए गए थे? वो एक बार भाई का संदेश आया था कि उसे बहुत बड़ी बड़ी किताबें खरीदनी है, उसे पैसे की बहुत जरूरत है। हमने सोचा पता नहीं कितनी जरूरत है, हम अगले ही दिन रुपया लेकर खुद ही शहर पहुंच गए। वहां देखा तो हमें बड़ा अजीब सा लगा, वो तो अपने दोस्तों के साथ नाच गा रहा था। किस खुशी में नाच गा रहा था वो, आपने पूछा? हाँ, हमने पूछा तो वो बोला कि वो पहले नंबर पर आया है। हमने पूछा तो तुम्हारे इम्तिहान कब हुए? हाँ हाँ, ठीक ही तो पूछा था आपने। वो बोला, भैया तुम नहीं जानते, यहाँ कॉलेज में जो पहले नंबर पर आता है वही इम्तिहान में बैठता है। मतलब कि पहले नंबर पर वो पहले आ गया, इम्तिहान में बाद में बैठा। आप भी शायद नहीं समझी बहन जी, बड़े कॉलेज में पहला दूसरा नंबर तो लड़के का रोब दाब देख कर ही मिलता है, और बाकी तो सब पास फेल होता है। यही बताया था हमको हमारे भाई ने। गलत बताया था आपको उसने, आपके विश्वास का फायदा उठाया था उसने, आपकी अज्ञानता के कारण वो आपको बेवकूफ बनाता रहा। हमको समझे नहीं बहन जी। आपका भाई बदल गया, स्वार्थी हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ लिख गया। आप जैसे बता रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि वो पढ़ लिख गया होगा, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हुआ वो आपकी अशिक्षा और अज्ञानता के कारण हुआ। क्या कह रही हैं आप?
अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान होता, दुनिया के बारे में थोड़ा सा भी पता होता, तो आप जान जाते कि पहले नंबर पर सिर्फ इम्तिहान में बैठने के बाद ही आया जा सकता है। आपका भाई गलत रास्ते पर चल पड़ा, क्योंकि सही रास्ते की पहचान तो आपको भी नहीं थी। अगर आपको गलत सही की पहचान होती तो आप उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते थे, पर आप तो अनपढ़ और निरक्षर है ना। ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो एक बार फिर सोचिए बनारसी दास जी, जिंदगी में एक मौका आया है सही गलत की पहचान करने का, भले बुरे को जानने का और दुनियादारी समझने का। कल आपके भाई ने आपके अनपढ़ता और निरक्षरता का फायदा उठाया है, कल को कोई और उठा लेगा। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा मत कहिए। अब क्या, अगर किसी ने हमारे एक बार को ठगा तो हम मर ही जाएंगे। तो फिर जागिए, पढ़िए, लिखिए, साक्षर बनिए। जिंदगी में एक मौका आया है, इसे न गवाइए। बहन जी ऐसा ही होगा, हम ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। हम पढ़ेंगे, लिखेंगे और दुनिया भर के बारे में जानेंगे। हम यही जगह बताई थी हमने, लेकिन हम खुद कहाँ हैं, क्यों नहीं? अरे यार आता ही होगा, लेकिन अगर उधर पता चल गया कि हम लोग कैंप से गायब हैं तो क्या पता चलेगा यार? हाँ से शुरू करें। अरे यार हेमू के पास, मेरे पास है औजार, ये ले खुरपी, जल्दी निकल, फटाफट आकर शुरू कर। बस बस काफी है, काफी है, काफी है, जल्दी निकल। कहीं गांव वालों को पता तो नहीं चल जाएगा कि यहाँ ताजी खुदाई हुई है? फिक्र ना करो, ये खेत तो पहले से ही खुदा हुआ है, बाकी सब इंतजाम हेमू कर देगा। अभी आ जाता तो ये काम अभी हो जाता, कल की टेंशन तो नहीं रहती ना। अरे यार चिंता मत करो, हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा। चिंता तो तुम करो देवी माँ के पुजारी बनने की, तुम लोग चिंता करो पुजारी जी की जय जय बोलने की। अरे कुछ सुना तुम लोगों ने क्या? पुजारी बाबा जिंदा हो गए। पुजारी बाबा जिंदा हो गए? क्या कह रहे हीरा, पुजारी बाबा जिंदा हो गए? अरे भाई उनका दूसरा जन्म हुआ है। दूसरा जन्म? अरे वो जो अपने शहर से लड़के आए हैं ना, स्कूल वाले जो हमें पढ़ाते हैं, उनमें से एक अपने पुजारी बाबा है। पुजारी बाबा है हमारे पुजारी बाबा, इसका क्या मतलब हुआ हीरा? वो कह रहा है कि यहाँ पहले एक श्रृंगेरी देवी का मंदिर था जो बाढ़ में कभी बह गया था, वो उसी मंदिर का पुजारी था पिछले जन्म में। हाँ वहाँ माता श्रृंगेरी का एक मंदिर तो था, लेकिन बहुत साल पहले वो तो बाढ़ में ही बह गया। उस मंदिर के तो देवराज जी पुजारी थे, अरे अपने हेमराज के दादा, वो भी तो उस बाढ़ में बह गए थे। क्यों हेमराज बेटा, कुछ याद आया तुझे? मैं तब बहुत छोटा सा था, पर सुना है ऐसा ही हुआ था। देख ले तेरे दादा फिर लौट आए। हाँ भाई, लोगों को तो यही कहते सुना है कि अगर किसी के अकाल मौत हो जाए और उसका कोई काम अधूरा रह जाए तो वो अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए उसी जगह दोबारा फिर जन्म लेता है। फिर तो चलकर हमें देखना चाहिए और परखना चाहिए। हाँ हाँ चलते हैं। सुनो बाबा, मेरे दादाजी को गेंदे के फूल बहुत पसंद थे,
तो फिर क्या करना चाहिए? अगर वो सचमुच मेरे दादा हुए तो ठहरो, मैं गेंदे का फूल लेकर आता हूँ। ये गेंदे का फूल आप ले जाओ, अगर वो सचमुच मेरे दादा हुए तो गेंदे का फूल देखकर खुश हो जाएंगे। ये काम तो तू खुद भी कर सकता है, आखिर तू उनका पोता है ना। नहीं बाबा, आप हम में सबसे बुजुर्ग हो, ये काम आप ही करो। अगर बेटा वो तेरा दादा ना हुआ और तेरी बात झूठी निकली तो बता तेरी क्या सजा होनी चाहिए। रघुवीर काका, लो ये लाठी पकड़ो, अगर मेरी बात जरा सी भी झूठ हुई तो इसी लाठी से मेरी पिटाई करना। ये बात है, चलो भाइयों, चलो देखते हैं। चलो जी, चलो, कितना सच्चा है। आओ।